हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक में। तो गाइस, इस वीडियो को यार बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना, और अगर आप लोग उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आती है प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी क्वायरी है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, दिखाने वाला हूँ। इसमें बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं और आप लोग इनकी तैयारी कितनी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीट भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। फिर हम केमिस्ट्री पर जाएंगे, देन फिजिक्स पर मूव ऑन करेंगे। तो गाइस, ये है आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर, जो कि इस ईयर आया था CBSE का मैथमेटिक्स का। आप सभी को पता है आपके जो सेक्शन ए था 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में, वो सभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देन सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, ठीक है, यानी 12 मार्क्स का ये सेक्शन और 20 का ये। देन उसके बाद में सी सेक्शन की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, यानी कि 12 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है, सॉरी 24 का, ओके। एंड सेक्शन डी की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स से, यानी कि 24 मार्क्स का, ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे थे, तो उनकी जिन्होंने 2019 में एग्जामिनेशन दिया, उनकी 80 मार्क्स का पेपर तो सेम था, लेकिन जब मार्क्स लगे हैं उनके तो वो 100 में काउंट किए, यानी कि 80 को एज ए 100 काउंट किया है, ठीक है, फिर आपको मार्क्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग, ओके। तो आपकी जो प्रैक्टिकल सेक्शन है वो शून्य दिखा रहे होगा, यानी कि 0, ओके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। पहले तो एक एक मार्क्स की बहुत ही इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट देने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, इजीली आप अगर फार्मूलाज याद हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन ऐसे ही देखने वाले मिलने वाले हैं, ठीक है MCQ। ये देखो यहाँ पर सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ एफर्ट देने की आवश्यकता नहीं है, इजीली आप कर पाओगे अगर आपने NCERT के सॉल्व एग्जांपल नहीं तो एग्जाम्पलर की है, NCERT की बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो बेस्ट वन है एग्जाम्पलर कर लो, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पलर करते हैं NCERT की तो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर हो जाता है, और किसी और बुक की आवश्यकता नहीं है, आप NCERT की एग्जाम्पलर ले लो, ठीक है। देखो दो तरह का हमारा कॉम्बिनेशन सेटअप बनता है बुक्स के रिगार्डिंग, अगर मैं आपको बताऊँ, एक होता है हमारा NCERT जिसमें NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसके बाद में फिर एग्जाम्पलर है, मैं आपको सारी पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, या फिर आपके सैम्पल पेपर, ठीक है। अब देखो, या तो आप इसे परचेज कर लो, ठीक है, या फिर आप एक सिंपल सी RD शर्मा ले लो यार, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है RD शर्मा का, देखो गाइस, अगर मैं बात करूँ इन तीनों पोर्शंस की, NCERT, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर, ये तीनों RD में आपको पूरी ओवरऑल मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, NCERT से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो दोनों को, प्रीवियस एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर को अवॉइड करने के लिए आप RD से भी शुरुआत कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपको ये तीनों खरीदने या फिर ये, ठीक है, आप नॉर्मली ओल्ड बुक भी ले लोगे RD शर्मा की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं और इतना वाइड चेंज नहीं आता है, ठीक है, ओके। सिलेबस रिड्यूस हुआ उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें PDF भी मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, ओके गाइस। तो ये आपके कुछ एक क्वेश्चंस हैं, अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ आपके 10th के बाद में आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के हैं और ईजी फार्मूला बेस्ड हैं, और देखो यहाँ पर डिग्री वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। इसका जो लिंक है टॉपिक का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे डिग्री वाले क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, अब 17 क्वेश्चन आपका, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हैं, एक एक मार्क्स में आपको ज़्यादा लंबे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के हैं तो ईजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप ईजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आप NCERT एग्जाम्पल फॉलो कर लीजिए। देन 2 मार्क्स में जाएँ तो इसमें भी ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इतना कुछ
ज़्यादा आपको डीप में नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपको फार्मूलाज क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चन ईजीली क्लियर होने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, ये देख लो, चाहे ये क्वेश्चन देखो या फिर ये वाले क्वेश्चन देखो, ईजी फार्मूला बेस्ड है और ये आपका सिमिलर वन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। ठीक है, देन मूव ऑन करें आगे। तो यार इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे डिफरेंशिएशन के पूछे जाते हैं, काफ़ी बार आ जाता है, और ये वाले क्वेश्चन भी प्रूफ वाले सॉल्व करने को एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, देखो एक ओड और इवन फंक्शन वाला भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बनता है, तो उसकी भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इस वाले चैप्टर पर जो आपका प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें से बेस थ्योरम आपकी अमूमन पूछी जाती है। ठीक है, बेस थ्योरम है, और अब की बार तो चेंजेस काफ़ी आए हैं, तो 2020-2021 में जो पेपर होने वाले हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे, लेकिन जब भी जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अगर होता है तो ज़्यादा चेंज आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा, जैसा आपका 2020 में क्वेश्चन पेपर रहा था बोर्ड का वैसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, आपके में चेंज नहीं आएगा, जो सिलेबस रिड्यूस है वो नेक्स्ट ईयर वालों के लिए, कंपार्टमेंट वालों के असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये वाले हो गए एलपी के क्वेश्चन, तो ये आपके सिमिलर वन रहते हैं, और एनसीईआरटी आप करके जाओ आपकी क्लियर है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिखाऊँगा मैट्रिक्स का, ठीक है, बहुत ईजी और हर बार ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, एरिया फाइंड करने को बोला हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर और पहले बीच में पूछा हुआ है, तो आप इजीली कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादातर कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में आपको और अच्छे से बता दूँगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब हम टॉपिक वाइज चैप्टर में से करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूँ और आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इजीली इनको कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में तैयारी कैसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये वाले क्वेश्चन डी के पूछे जाते हैं और काफ़ी बार आ भी जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको एक कॉन्स्टेंट को रिड्यूस करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन अमूमन देखने को मिलता है। ठीक है, और 6 मार्क्स का वेटेज हाई होती है और ज़्यादातर सिमिलर पैटर्न होता है, कुछ भी अलग नहीं होता, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखा गया। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी कर लो, इसमें कुछ खास नहीं करना, सिंपल स्टेप्स करते जाओ, बट हाँ इसमें यार मिस्टेक होती है माइनर आपकी अगर करते हो तो। ठीक है, क्योंकि कुछ हाई फाई फार्मूला नहीं लगाने, प्लस माइनस का ख्याल रखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपके पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज करें तो स्टेप वाइज में मार्किंग होगी, आपके अच्छे से नंबर मिलेंगे। ओके, देन उसके बाद में एक और क्वेश्चन है आपका ये वाला, और इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको सर्कल की इक्वेशन दे दी जाती है, देन या फिर कर्व एरिया बिटवीन टू कर्व दे दिया जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में पूछा जाता है। ठीक है, और एक ये वाला लिमिट सम वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 6 मार्क्स में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर, एक बार फिर से देख लो अगर आपने कहीं पर मिस आउट किया, और इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल हमारे चैनल पर मैं ऑलरेडी इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए गाइस, इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, देन उसके बाद में हम एक एक टॉपिक वाइज सिलेक्टेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो आपका कंपार्टमेंट है ईजिली आप क्रैक कर पाएँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, उनको समझाऊँगा भी कैसे आप ईजिली कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं, 80 मार्क्स का पेपर है, और मैंने इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट के रिगार्डिंग भी बात बता दी है। ठीक है, तो आई होप आपको वो क्वेश्चन पेपर से कुछ आइडिया मिला हो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक और अपडेट के साथ में, एक न्यू वीडियो के साथ में आपसे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको कैसे करने हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं,
अब हम बात करेंगे कैसे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इजीली करना है और मिनिमम मार्क्स कैसे आपको स्कोर कर लेना है कि आप पास हो जाएं, ठीक है। क्योंकि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट है, आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स का ईजीली, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चंस बताऊँगा आपको वो कर लो, ईजी हैं, चेंज ज़्यादा आएगा नहीं, आप ईजीली स्कोर कर पाएंगे और पास हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी वीडियो, और गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कई सारे टॉपिक, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हमने आपको क्लियर आउट किया है, और आपको CBSE क्लास 12 की स्टार्टिंग कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग मैं ओवरऑल फुल प्रूफ प्लान के साथ में आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कौन से क्वेश्चन पेपर करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है और क्या रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न, वो सारी बातें आपके साथ में शेयर की हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। जो भी आपके पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, कोई भी क्वेरी है आप हमें बता सकते हैं, कोई सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।